Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. So today I'm Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter of class 5th, chapter number 5, installing a software. How to install a software in a computer? हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर आया है, हमें उसे अपने कंप्यूटर में डालना है, वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, तो वो जस्ट लाइक हम जो नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं किसी भी फाइल को, उस तरीके से नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, उसको रन करने के लिए, ठीक है, वो कैसे चलेगा, क्या है, उसके लिए हमें इंस्टॉलिंग करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में। सो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दो टॉपिक है ओनली, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय रन कमांड, ठीक है, इस बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज एंड द प्रोग्राम वी इंस्टॉल। सबसे पहले तो प्रोग्राम इंस्टॉल, हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है और वो प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल हो सकता है या नहीं। सबसे ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका वो सॉफ्टवेयर वो इसमें इंस्टॉल होगा भी या नहीं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या है वो इंस्ट्रक्शन जो अभी सबसे ज्यादा याद रखने पड़ते हैं। आपका कंप्यूटर जो है, योर नीड्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम गेम यूटिलिटी यू आर अटेम्प्टिंग टू इंस्टॉल, मतलब आपका कंप्यूटर उस जो अभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं कोई गेम प्रोग्राम या जो भी चीज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके कंप्यूटर में है या नहीं, हमें ये ध्यान रखना है। व्हेन इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम यूटिलिटी और गेम, इट इज ऑलवेज गुड फर्स्ट टू क्लोज, सबसे पहले हम अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हैं कोई प्रोग्राम गेम को, तो हमें जो भी अगर हमने अदर प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हो कंप्यूटर में, तो हम उसे क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका लास्ट वन जो इंस्ट्रक्शन है, न्यू प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कंप्यूटर को उसके बाद रिबूट करना है, मतलब कि हमें दोबारा उसको बंद करके स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजर, नाउडेज मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स गेम्स यूटिलिटी, मतलब आजकल जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, वो क्या है, ऑटो प्ले फीचर होता है उनमें, मतलब आपने सीडी प्लेस करी कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, उसका सेटअप आ जाता है स्क्रीन पे आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए और वो रन हो जाती है, मतलब चल जाती है। योर प्रोग्राम गेम यूटिलिटी कंटेंट दिस फीचर रन इंस्ट्रक्शन थ्रू द स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर इंसर्टिंग द डिस्क, मतलब जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं डिस्क को, तो वहाँ इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाता है वहां पे स्क्रीन पे, ठीक है। इफ यू आर इंस्टॉलिंग, आजकल के जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं उसमें आता है ये ऑप्शन, इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम दैट डज नॉट कंटेन दिस फीचर और यू आर इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ डिस्क फॉल, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं किसी भी चीज को, गेम यूटिलिटी या फिर आपके प्रोग्राम को, उसमें ये फीचर नहीं है, तो उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, मतलब कि आपका जो प्रोबो जो डिस्क है वो नहीं ऊपर हो रहा है, वो नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है डायरेक्टली, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, क्या है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का बटन, वहां पे आपको जाना है माय कंप्यूटर पे, ठीक है। जैसे ही आप माय कंप्यूटर पे जाएंगे, वहां पे आपका एक ड्राइव कंटेंट होगा जो इंस्टॉलेशन फाइल के लिए होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक सीडी या डीवीडी डाली, तो किस में ओपन होगा, आपके जी ड्राइव में, कहाँ ओपन होगा, जी ड्राइव में। इस तरीके से पेज नंबर 45 दे रखा है यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जी ड्राइव, ठीक है, यहाँ पे ओपन होगी आपकी कोई भी सीडी या डीवीडी होगी, हमें उस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, दैट इज माइमा वाइस एंड देन क्लिक, उसमें मतलब उसका नाम क्या दे रखा है इसमें, इस फाइल का, सीडी का, माइमा वाइस, ये तो एक एग्जाम्पल है बस। हमें इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने पे एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां पे एक सेकेंड ऑप्शन होता है एक्सप्लोर का, हमें उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। विद इन द ड्राइव दैट कंटेन योर फाइल्स लोकेट आइदर अ सेटअप और इंस्टॉल फाइल, डबल क्लिक ऑन दिस फाइल विल स्टार्ट, एक चीज और कर सकते हैं हम, सिर्फ डबल क्लिक करने से ही, जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा वो प्रोग्राम या आपकी जो भी यूटिलिटी होगी या फिर आपकी जो भी गेम वगैरह, मतलब सीडी डीवीडी जो भी है। इफ यू सी मल्टीपल सेटअप और इंस्टॉल फाइल्स ट्राई टू लोकेट द एप्लीकेशन फाइल और डबल क्लिक ईच ऑफ सेटअप, अगर आप उसमें देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेटअप्स मांग रहा है ये इंस्टॉल फाइल के लिए,
ठीक है, तो आप क्या करें, कोशिश करें कि उसको लोकेट करने की एप्लीकेशन फाइल को, या बस डबल क्लिक करते रहें, जो जो भी आपसे चीजें पूछता जा रहा है वो उस पर डबल क्लिक करते रहें। मैनी टाइम्स द आइकन एसोसिएट विद द इंस्टॉलेशन फाइल्स हैविंग द सेम नेम, मतलब आपकी जो फाइल सेव होगी वो भी क्या होगी, कितनी बार आपने जो फाइल है उसी सेम नेम से इंस्टॉल हो जाएगी उसमें। और इन द रन विंडो आपको क्या करना है, या फिर रन विंडो में हमें टाइप करना है एक्स कॉलम सेटअप और एक्स कॉलम इंस्टॉल, वेयर एक्स इज द लेटर ऑफ द ड्राइव। एक चीज और कर सकते हैं हम इंस्टॉल करने के लिए किसी चीज को, रन विंडो होती है हमारी, रन विंडो में हमें क्या करना है, टाइप करना है, ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, सेटअप और एक्स इंस्टॉल। इसमें एक्स की जगह क्या आएगा, आपकी जो भी फाइल, आपकी जो ड्राइव है, आपका लेटर, आपका जो ड्राइव है जहां पे आपको इंस्टॉलेशन फॉर्म स्टार्ट करना है, उस ड्राइव का नाम हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने टाइप करा एफ, ठीक है, अब उसकी जगह एफ दिस देन सेटअप या फिर इंस्टॉल, इन दोनों में से कुछ भी हमें कहाँ टाइप करना है, रन कमांड में हमें ये टाइप करना है, ठीक है। अब इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय रन कमांड, ठीक है, ये तो एक इंस्टॉलिंग प्रोग्राम था, इंस्टॉलिंग का ऑप्शन था, कैसे सिर्फ एक लेफ्ट बटन के एक्सप्लोर करने के बाद कुछ आपसे वो चीजें पूछता रहेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है, ओके कर देना। उसके अलावा रन कमांड के थ्रू कैसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। हमने एक सॉफ्टवेयर है कॉरल ड्रो X3 करके, इसको हमें इंस्टॉल करना है रन कमांड के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, क्लिक ओके, हमें रन कमांड पे जाना है। रन कमांड जब हम ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको ओपन करने में, मतलब आपको कौन सा ओपन करना है, वही कौन सी ड्राइव में है, एफ कॉलन स्लैश सेटअप, मतलब आपको अब आपकी क्या करनी है, आपको फाइल का नाम डालना है यहाँ पे, कॉरल ड्रो ग्राफिक्स में, मतलब ये आपके जो इंस्टॉल प्रोग्राम है उसका नाम है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपका जो भी प्रोग्राम है उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो हमें क्लिक ऑन इंस्टॉल कॉरल ड्रो R, ऊपर और दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऊपर वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। सेलेक्ट द सेटअप लैंग्वेज फॉर द इंस्टॉलेशन एंड क्लिक ओके। इसके बाद एक चूज सेटअप आपसे लैंग्वेज पूछेगा, कोई सी भी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश आप यूज करिए, ठीक है, इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेप्ट योर टर्म्स, या आपसे टर्म्स वगैरह पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, उस टर्म को सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट बटन है वहां पे नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एंटर यूजर नेम, अब यहाँ पे आपको कुछ यूजर नेम पूछेगा, वो आपसे सीरियल नंबर पूछेगा, ये सब आपकी जो भी आपकी जो सीरी होगी या जो भी टीवी जो भी वो प्रोग्राम होगा उसमें सब यहाँ पे लिखा होगा, ये सब चीजें सीरियल नंबर नेम वगैरह। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे सेलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, सेलेक्ट द एप्लीकेशन यू वुड लाइक टू इंस्टॉल एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमें अब एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, तीन आए हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है, हमें उसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे वापस क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड, ये आपसे क्या करेगा, याहू टूलबार टू इंस्टॉल, ये आपकी याहू टूलबार, मतलब कि याहू इसको इंस्टॉल करने के लिए वो बोल रहा है कि आपको याहू को भी इंस्टॉल करना होगा। याहू क्या है, एक मेल आईडी, मतलब मेल एप्लीकेशन होती है ये, ठीक है, मतलब आपको इसको चलाने के लिए याहू मेल भी होना जरूरी है आपका, ठीक है। इफ यू वांट टू इंस्टॉल, क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड इंस्टॉल कॉरल ड्रो एक्स। अबे अब हम क्या करना है, चेक बॉक्स में हम क्लिक करेंगे, या इनके आगे चेक बॉक्स रहेगा, इस पर राइट क्लिक करके, इनको क्लिक करके हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ फ्यू मिनट्स देगा, इस तरीके से आपको बताता रहेगा कि इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, फिर जाके वो 100% हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ फ्यू मिनट्स लेगा इंस्टॉल करने के लिए। इफ आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एक विंडो अपीयर्स
विंडो अपीयर्स टू फिनिश, लास्ट में एक विंडो आती है आपकी जिसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक फिनिश ऑप्शन होगा। इस फिनिश ऑप्शन को बटन को आपको क्लिक करना है। अब क्या है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर दिया है हमने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर, वो आपके कंप्यूटर में आपको इजीली आप उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि वो ढंग से चल रहा भी है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम। स्टार्ट बटन पे जाके जैसे ही आप ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे, मेन्यू पर होगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाके हमें वहां पे कॉरल ड्रॉ हमारा जो सॉफ्टवेयर का नाम है उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसका विंडो जब अपीयर हो जाएगी वहां पे आपका बहुत सारे, और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, फ्लाई आउट मेन्यू, उसमें से जो भी चूज करिए, आपको न्यू बनानी है, कोई फाइल वगैरह जो भी करना है आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, उसे अब इस प्रोग्राम को आप इजीली सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, आपके इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको इजीली आप इसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल कि आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है कि आप कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें चूज द करेक्ट दे रखे हैं आपके, ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, ये आपको बुक में ही नोट डाउन करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। Okay, thank you and have a good day.